कैसे हैं आप लोग? ठीक है, अल्लाह ताला आप लोगों को ठीक रखे। तो मैं आज मटन पुलाव बनाऊंगी। तो मुझे अल्लाह ताला ने बहुत प्यारी पोती दी है, तो हमने वो की थी, हकीका किया था बच्ची का, तो मैंने कहा मटन पुलाव ही बना डालूं। लेकिन बाहर से तो नहीं लेके बंदा खा सकता ना, इतना महंगा गोश्त है बकरे का, तो इसीलिए मैं मटन पुलाव भी बना रही हूँ। घर में था गोश्त तो मैंने कहा चले बना लेते हैं मटन पुलाव। तो ये मेरे पास गोश्त है, तकरीबन ये 3 किलो गोश्त है, तो मैं डाल रही हूँ इसमें। यखनी वाला मटन पुलाव बनाएंगे, माशाल्लाह बहुत अच्छा बनता है ये। इसमें एक जग हम ये पानी का डालेंगे, यखनी बनाएंगे इसकी। ये हांडी में बनता रहेगा, आस्ता आस्ता पकता रहेगा। मैं ज़्यादा जो गोश्त वगैरह होते हैं ना, ये छोटे वाले गोश्त मटन, तो ये मैं कुकर में नहीं बनाती, क्योंकि ये हांडी में बनाती हूँ, कढ़ाई में बनाती हूँ तो अच्छा बनता है, क्योंकि ये सख्त नहीं होता है। जो बीफ का होता है ना, वो कुकर में ज़रा गला लिया जाता है, इसको हम ऐसे ही गलाएंगे। तो ये 1 चम्मच नमक का इसमें डालते हैं, ज़्यादा नमक नहीं डालते, कुछ यखनी पीने के लिए निकालेंगे तो कुछ चावलों में डालेंगे। तो चलें इसके नीचे चूल्हा ऑन करते हैं। तो ये माशाल्लाह ये भी ये 25-30 मिनट तक ये गल जाएगा, गोश्त नरम गोश्त है, ये जल्दी गल जाता है। बन्नू मटन पुलाव बनाने लगे हैं, तो ये जिन चीज़ों की ज़रूरत है हमें, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। ये मैंने अदरक लहसुन 3 चम्मच हैं ये मेरे पास खाने के, अदरक लहसुन मिक्स। ये दही है मेरे पास, और ये मैंने 6 टमाटर लिए थे, आधे आधे कर लिए। ये प्याज है मेरे पास, 2 लिए मैंने बड़े। तो ये है गरम मसाला, इसी में ये है सारा मसाला। ये बादिया का फूल भी है, बड़ी इलायची भी है, लौंग भी है, काली मिर्चें भी है, ज़ीरा। ये मिर्चों का पाउडर है, रेड मिर्चों का पाउडर, ये ब्लैक मिर्चों का पाउडर है। ये नमक है 2 चम्मच, 2 चम्मच ये मिर्चें हैं, और 2 चम्मच ये है मसाला, 1 चम्मच ब्लैक मिर्चें हैं। ये एक पत्ता है मेरे पास तेज़पत्ता, ये दालचीनी के टुकड़े हैं ये, और ये छोटा सा एक पत्ते का टुकड़ा है। तो चले काम शुरू करते हैं हम। ऑयल डाला है मैंने इसमें, तो ये प्याज डालती हूँ, 1.5 किलो चावल है मेरे पास। तो ये जैसे प्याज ब्राउन होते हैं, तो फिर मैं इसमें सब सारी चीज़ें डालती हूँ। प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है, अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। ये देखें प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है। जो हम आम पुलाव बनाते हैं, तो वो ऐसा पुलाव, अब प्याज आप करके बनाएं तो उसका कलर अच्छा आता है, वाइट वाइट पुलाव जो होता है ना, वो अच्छा नहीं लगता। तो अब ये हो चुका है हमारा प्याज ब्राउन, तो इसमें आप डालते हैं सारी चीज़ें जो हमने रखी हुई हैं तैयार करके। तो अदरक लहसुन इसमें हमने डाल कर भून लिया है। तो चले और चीज़ें डालते हैं इसमें। पहले थोड़ा सा पानी शामिल करते हैं। ये पानी मैं इसलिए थोड़ा सा डाल रही हूँ कि मिर्चें ना जल जाएं। चले देखें बिल्कुल पानी खुश्क हो चुका है। ये हमने टमाटर लिए हैं, इसमें ये डाल दिए टमाटर, साथ ही हमने ये चीज़ें डाल दी हैं। ये तेज़ पत्ता है, ये दालचीनी के 3-4 टुकड़े हैं, ये ब्लैक मिर्चें, मिर्चों का पाउडर, नमक के 2 चम्मच, 2 चम्मच ज़ीरा मसाला, सारा इसमें मिक्स है। चलें इसको अब हम भूनते हैं। साथ ही इसके मैं दही डाल दूंगी, ये दही है फेंटा हुआ मेरे पास। ये देखिए प्याज हो चुका है हमारा, प्याज मसाला सारा कुछ ये बन चुका है। अब इसमें मैं मटन डालूंगी,
मटन है मेरे पास, यखनी इसमें नहीं डालेंगे, बाद में डालेंगे यखनी गोश्त को भून कर। ये जो बन्नू होता है ना, बन्नू पुलाव, इसमें ज़्यादा हड्डी शामिल की जाती है, गोश्त भी होता है, हड्डी भी इसमें डालते हैं। तो ये देखिए हमने गोश्त डाल लिया इसमें सारा, और फिर यखनी को भी डाल देंगे। इसको भूनते हैं, दो चार मिनट भूनेंगे इसको, यखनी शामिल करते हैं, जितनी होगी यखनी डाल देंगे, बकाया फिर इसमें पानी डालेंगे। और ये देखिए ये एक कप मैंने पत्ती का कावे का बनाया है, जो आम पत्ती होती है चाय की, वो इसमें शामिल करेंगे, इससे कलर आता है। ये सब्ज़ मिर्चें मैंने डाल दी पाँच छः, गोश्त भून चुका है, अब इसमें मैं पानी डालती हूँ। ये यखनी डालते हैं, जितनी हो जाती है बकाया पानी डाल लेंगे, एक दो तीन चार गिलास हो गए ये यखनी के, आप इसमें पानी डाल देंगे। ये हो गया पांच, ये छह गिलास हो गए, ये है चावल पांच गिलास, और इसको मैं डाल रही हूँ छह सात गिलास डाल रही हूँ, छह गिलास और डाल दिए मैंने चार गिलास के लिए, और एक गिलास मैं डाल रही हूँ आधा गिलास, पूरा एक गिलास ऊपर था चावल, टोटल पांच गिलास चावल, सात गिलास इसमें पानी डाला, क्योंकि चावल भीगे हुए हैं काफ़ी देर के, आधा घंटा हो चुका है, इसलिए पानी और ज़्यादा आधा गिलास और नहीं डाली, आधा गिलास कम डाला है, वरना तो साढ़े सात गिलास लगना था पाँच गिलास को, तो मैंने इसमें सात गिलास डाला। ये देखें चावलों का पानी बॉयल हो चुका है, इसमें अब चावल डालती हूँ। ये ऐसे इसीलिए डाल रही हूँ कि नीचे थोड़ा बहुत जो पानी है ना वो उसमें ना जाए चावल में, पतीले में, ऐसे इसको निचोड़ लेते हैं फिर पानी को, जो ऐसे डाल देते हैं बिस्मिल्लाह। नमक चेक कर लेते हैं, नमक जब भी आप चेक करें तो नीचे से तरी हटा के ऊपर से, सारा कुछ ठीक है माशाल्लाह, बहुत अच्छा जायका आ रहा है, बहुत मज़े के चावल बनेंगे हमारा बनू मटन पुलाव। दम पे रखने लगे हैं, ये ऐसे हो गए हैं, खुशक हो चुके हैं, ज़रा ज़रा थोड़ा थोड़ा सा इसमें नॉर्मल सा है, इसका दम लगा देंगे, पंद्रह मिनट इसको दम पे रखेंगे। चलिए अब पंद्रह मिनट के बाद खोलेंगे। चलें देखकर देखते हैं, हम अपने चावल देखते हैं, वाओ माशाल्लाह कितने अच्छे चावल बने हैं, ये देखो बनू मटन पुलाव हमारा तैयार हो चुका है, ये देखिए हम इसको निकालते हैं, ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना अच्छा बना है। ये देखिए कोई भी चीज़ हो मेहनत उस पर की जाए ना तो वो बहुत अच्छी बनती है, ये देखिए कितने अच्छे बने हैं चावल, खिले खिले चावल है हमारे, ये सेला नहीं है, ये दूसरे हैं, वो वाले कायनात वाले चावल, कायनात बासमती, माशाल्लाह बहुत जूसी बना है पुलाव, बहुत ही लजीजा है, आप बनाइए ट्राई कीजिए खाइए, और मेहमानों को खिलाइए, घर वालों का ख्याल रखिए, बुज़ुर्गों का ख्याल रखिए, बेटियों का सब का ख्याल रखिए, आप मोहल्लेदारों का पड़ोसियों का ख्याल रखिएगा, किसी को दुख ना पहुँचाइएगा,
अल्लाह ताला फिर आप लोगों को भी दुख नहीं देता। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो अब किसी नई वीडियो के साथ हाज़र होंगे, अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।